यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और गाइज यहाँ पर मजे कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आरिश खान की नई और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर तुम्हारा भाई लाइव स्ट्रीम डेली करता है और डेली लाइव स्ट्रीम करने भी लग गया है अभी इसी वाले चैनल पर। तो यार दोस्तों वॉचिंग बढ़ाओ यार, क्या करते हो? मैं दोपहर के टाइम 3 या 4 या 2 किसी भी टाइम लाइव आ जाता हूँ, तो उस टाइम आप देख लिया कीजिए हमारी लाइव स्ट्रीम और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमें लोको एप्लीकेशन पर फॉलो नहीं किया है तो लोको ऐप पर जाकर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर दोस्तों आप सभी लोगों को जो है ना फ्री पबजी मोबाइल के रॉयल पास का जो गिव अवे चलता रहता है। जो लोग मुझे वहां पर फॉलो करके रखेंगे, गिव अवे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है, तो ठीक है। एंड दोस्तों आज ना एक COVID-19 का पेशेंट था, यानी कि कोरोना वायरस का पेशेंट था। अब उसको यहाँ से लॉस सैंटोस से जो यहाँ का डिटेंशन सेंटर जिसको बोल रहे हैं, डिटेंशन नहीं क्वारंटाइन सेंटर जिसको बोलते हैं, क्वारंटाइन के अंदर ले जाया जा रहा था। और रस्ते में ही भाई हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया और उसकी वहीं पर जो है देहांत हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर शहर में उसको ले जाया जा रहा है और उस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई दोस्तों। और आज तुम्हारा भाई भी जो है वहीं पर दोस्तों जा रहा है, ठीक है ना, और हम भी वहाँ पर जाकर देखेंगे कैसा सब कुछ होने वाला है। चलो आज ये वाली पहन लेते हैं हुडी, क्योंकि हुडी तो मैं रोज़ ही चेंज करता रहता हूँ दोस्तों, है ना। तो एंड गाइज यार बंदे का सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि बेचारे को क्वारंटाइन में लेकर भी जाया जा रहा था और फिर रास्ते में उसके साथ किसी के साथ यार ऐसा हो जाना एक तरीके से बहुत दुखद खबर होती है दोस्तों। और किसी बंदे के साथ ऐसा हो जाए तो यार दोस्तों वो तो बहुत ही दुखद खबर है। ए चॉप, हाउ आर यू बडी, कैसे है रे, कैसा है? तो दोस्तों आज इसी की वजह से पूरे लॉस सैंटोस के अंदर जो दोस्तों लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी चीज़ की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी मैं अपनी एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ, खैर मेरे पास तो दोस्तों एक स्पेशल पास है, एक्सेस पास, तो मुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहने वाला है। बट दोस्तों पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, बंदे आ जा रहे हैं बट दोस्तों गाड़ियाँ आपको नहीं मिलेंगी बाहर रोड के ऊपर, एक भी गाड़ी आपको पूरे रोड पर नहीं मिलने वाली दोस्तों। तो हाँ कह लो तो कहने यार, ब्रेकिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, सॉरी यार। इसकी ब्रेकिंग के हिसाब से ना ये बाइक थोड़ी सी यार डिसअपॉइंट कर देती है, क्योंकि ब्रेकिंग इसकी उतनी जितनी ज़्यादा सुपर मैं चाहता था और सोचता था उतनी सुपर यार नहीं निकली है। अब पता नहीं यार ऐसा दोस्तों क्यों हुआ है और क्यों नहीं हुआ, बट जो भाई लगता था वैसा उस चीज़ों पर ये मेरी उम्मीदों पर दोस्तों खरा नहीं उतर पाया है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं जो है एक अपने पर्सनल गैराज जा रहा हूँ और पर्सनल गैराज से दोस्तों मुझे जो है अपना एक स्पेशल व्हीकल है जो मैंने अभी हाल ही में परचेज़ किया था, वो गाड़ी मेरे को निकालनी है और फिर लेकर जाएंगे उस गाड़ी के साथ, ठीक है ना दोस्तों। पर यार दोस्तों सच बताऊँ मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ यार उस बंदे को लेकर के, अभी अभी बेचारे ने लॉस सैंटोस में आया था, इतनी जल्दी कोरोना हो गया। असल में वो ना कहीं दूसरे देश गया हुआ था, तो जब वो यहाँ आया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसे क्वारंटाइन करने के लिए ले जा रहे थे और अचानक से हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। अब वजह तो देखो यार मुझे भी नहीं पता, खैर हो सकती है कोई बड़ी राजनीतिक वजह भी हो सकती है इसके पीछे, कि क्या पता लोगों ने ही मरवा दिया, किसी ने मरवा दिया दोस्तों उस बंदे को, हो दोस्तों बहुत कुछ सकता है। पर अभी फ़िलहाल तो दोस्तों देखो क्या कुछ भी नहीं सकते, है ना, क्या तो कुछ भी नहीं सकते हैं। हम फाइनली अपने जो है गैराज पे जो मैं आने वाला था मैं वहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत ही सारे बंदे हैं, बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पर, बहुत ही सारे। ये बैलाज का एरिया आ गया है, बैलाज का एरिया है दोस्तों ये, चलो बढ़िया। एक तो बैलाज के एरिया में ही अपना यार गैराज भी है। चलो तो हम फटाफट यार दोस्तों गाड़ी निकालते हैं और फिर गाड़ी निकालने के बाद हम चलते हैं उस लोकेशन पर कैसी होनी। यो गाइस फाइनली भाई मैंने यहाँ पर जो गाड़ी निकाल ली है जो कि है स्विक 2020 मॉडल, सिविक है बेसिकली, सिविक। और ये जो है भाई फ्रंट से देख लो इसका लुक क्या भाई मॉडिफाइड लग रही है ना। और जो दूसरी गाड़ी है वो तो मैंने भाई अंदर कर दिया, तो चलो जो बाइक में जिसमें आया था मैं, इंडिया के हिसाब से अच्छी है यार ये कार। सिविक चलती तो बड़ी मस्त है यार, मज़ा बहुत आता है सिविक को चलाने में, कसम से बता रहा हूँ दोस्तों सिविक को चलाने में मज़ा बहुत आता है। और ये जो लोकेशन है भाई काफ़ी ज़्यादा भयंकर दूरी पर जो है होने वाली है,
और स्टीयरिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रहा है। ओ भाई साहब एकदम ओपी चल रही है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दे रखा है यार इसके अंदर, क्या बात है। तो फाइनली गाइस हम जब पहुंचने ही वाले हैं वहां पर, और गाड़ी तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है यार यहां पर, बहुत ही ओपी लोकेशन और मस्त प्रोवाइड कर रही है हर चीज़। इंजन विंजन कूलेंट वगैरह सब बढ़िया चल रहा है गाड़ी का, खैर किसी भी चीज़ में भाई दिक्कत तो आती नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना यार उस लोकेशन पर जाने के लिए कार बहुत ही ज़्यादा आई मीन परफेक्ट है। और ये गाड़ी मैंने एकदम नई ली थी ना, तो मैंने सोचा था भाई लोगों को भी दिखाऊंगा, तो आज दिखाने का मौका है मैंने कहा तो आज दिखा भी देता हूँ आपको, है ना दोस्तों। चलो ठुकेगी नहीं भाई गाड़ी, कंट्रोल इतना प्यारा है कार का। पूरे लॉकडाउन है दोस्तों आज, वैसे भी आज तो जैसे मर्जी चलाऊं मैं, लॉकडाउन वाले दिन तो मैं पूरे मस्ती लेता हूँ, अपनी स्पेशल कार को बाहर निकालता हूँ यार, वरना यहाँ पर ना एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैंने खुद ही ठोक दिया आज, कितना महान काम किया, हेडलाइट गई गाड़ी की, एक हेडलाइट गई दोस्तों गाड़ी की एक। असल में यार ट्रैक्शन थोड़ा सा बिगड़ रहा था, तो जब दोस्तों ट्रैक्शन बिगड़ता है ना तो बहुत ही भयंकर होता है भाई वो बिगड़ना, जो ट्रैक्शन को कहते हैं ना बहुत खतरनाक बिगड़ता है, बहुत ही भयंकर बिगड़ता है ट्रैक्शन, सच बता रहा हूँ आपको। जो फाइनली बस हम पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों, यहीं पर कहीं पर हुआ था भाई क्रैश, बंदे तो होंगे यहाँ पर। हाँ है दोस्तों, हैं हैं, आइए। सो गाइस फाइनली हम जो है भाई यहाँ पर पहुँच गए, न्यूज़ चैनल्स वाले भी दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं। खैर कुछ हो शहर में या फिर ना हो, बट ये न्यूज़ चैनल्स वाले ना मक्खी की तरह चिपक जाते हैं दोस्तों, और मक्खियों की तरह उसी आई मीन जगहों पर आ जाते हैं। बस क्या बताऊँ यार मैं तुम्हें इनकी बातें। चलो तो मैं मना कर रखा है कि तुम सामने नहीं जा सकते हो, खैर हमारे पास तो स्पेशल एक्सेस है, हम जा सकते हैं। ओके तो पैरामेडिक्स वगैरह भी खड़े हैं, बातचीत दोस्तों यहाँ पर चल रही है अभी। सब बेसिकली दोस्तों अफसोस ही मना रहे हैं कि बेचारा क्वारंटाइन में ही तो जा रहा था, अगर आज चला जाता तो दोस्तों बच जाता। सब लोगों की ज़बान पर यही है कि अगर बेचारा क्वारंटाइन में जा रहा था तो बच ही जाता आज। खैर इसको जो है स्विफ्ट में ले जाया जा रहा था, ये स्विफ्ट होता है इसका नाम, और ये जो स्विफ्ट है बहुत ही भयंकर तरीके से भाई अंदर जो धस गया है, अंदर तक इसकी मिट्टी घुस गई है, अंदर तक ही स्विफ्ट में जो है बजरी रेता घुस गया भाई। भाई साहब सॉरी, और पायलट जो था वो तो ये रहा। अय हाय एक बंदा तो बिल्कुल ही मर गया यार, पायलट बेहोश है, इसको देखा जा रहा है। FIB वाले भी आए हैं यार यहाँ पर, और जो COVID-19 का मेरे ख्याल से पेशेंट है वो यही है, ये दूसरा पायलट है मेरे ख्याल से, नहीं COVID-19 का पेशेंट को मेरे ख्याल से, COVID-19 का पेशेंट यार मेरे ख्याल से मर गया। दो तो यहाँ पर पायलट थे एक पीछे जो बैठता है, हाँ वो जो हड्डी और सिर पड़ा है ना दोस्तों COVID-19 के पेशेंट का ही है। ये देखो ये जो पड़ा है ना COVID-19 के पेशेंट की वो जो शक्ल वगैरह पड़ी है, वो बहुत बुरी तरीके से मरा है दोस्तों। क्या यार, और भी इसके अंदर 3 लोग थे उनकी लाशें पड़ी हैं। खैर मेरे ख्याल से वहाँ पर सिर ही पड़ा है, पूरी की बॉडी बॉडीज यहाँ पर हैं, COVID-19 के थे दो, एक तो वही जो नया आया था और एक दो पुराने ही थे जिनको ले जाया जा रहा था। भाई मना कर रहे हैं इसको, नहीं ले जाने दे सकते हम अंदर यार। और अब तुम देख लो यार दोस्तों यहाँ की जगह देख लो भाई कैसी है। और खैर भाई इस बंदे का ना भाई देखो सबको ही दुख रहेगा, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है, वो देख रहे हो बेचारे ये कैसे पड़े हैं यार। मुझे इनका भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है दोस्तों ये चीज़ देखने के बाद ना, इनका भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि भाई ऐसा होना चाहिए था। और ये एक बहुत ही होनहार पायलट थे, और जब किसी होनहार बंदे के साथ ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत ही दुख होता है। और इस तरफ यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और लगता है यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए फ़ोन वगैरह चला रहे हैं कि कितनी देर में जो खुलेगा, तो भाई अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, अभी नहीं खुलेगा। लोग बाग यहाँ से स्टोरीज़ वगैरह बना रहे हैं क्या हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हैं,
तो मेरे ख्याल से अपनी तो भाई राय यही है इस चीज़ के बारे में, ये जो न्यूज़ चैनल वाले दे रहे हैं, तो हम भी न्यूज़ वाले अगर बन जाएं तो भाई हमारी भी वीडियो बना लोगे क्या? जहाँ तक मुझे लगता है भाई अपनी भी, हमारी भी वीडियो जब बना लेगा, अभी तो ये जो सीए ही करवा रहा है अपना, जो भी भाई करवा रहा है इसे करने दो दोस्तों, हम अपनी भाई सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और भाई यार लॉकडाउन भी इसी चीज़ की वजह से है दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए तो भाई लॉकडाउन लगना कंपलसरी हो जाता है। खैर दोस्तों, आपको इस COVID-19 के पेशेंट का कितना ज़्यादा दुख है, ऐसा होना चाहिए था फिर नहीं, एक बार प्लीज़ कॉमेंट करके ज़ोर से बताइएगा। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, लगी है तो यार वाकई में प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना एंड ऑब्वियसली शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।